हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर थर्ड एंड नेम द चैप्टर इज सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, फर्स्ट मीन्स पहले, यानी कि सुरक्षा पहले। एम्स, यहाँ इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखेंगे। देन दिस चैप्टर टू अनेबल्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एक्सीडेंट हैपेंस। क्या सीखेंगे आप इस चैप्टर में कि कैसे दुर्घटनाएं घटती हैं। एंड सेकेंड इज नो हाउ एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, कि कैसे हम इन दुर्घटनाओं को होने से रोक सकते हैं, कैसे इन दुर्घटना से बचा जा सकता है। थर्ड वन इज डील्स विद इमरजेंसीज एट होम, एट स्कूल एंड ऑन द रोड, कि हम जो इमरजेंसीज आती हैं, अचानक जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं हमारे घर पर, स्कूल पर या रोड पर, उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स कैरी न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट ऑलमोस्ट एवरी डे, जो हमारे न्यूज़पेपर मीन्स अखबार जो है उसमें दुर्घटना की खबर जो है वो हम रोज़ाना होती है। एक्सीडेंट कोज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट क्या करते हैं, दुर्घटना क्या करती है, लाइफ, जीवन, प्रॉपर्टी, माल, यानी कि जान और माल दोनों को हानि होती है दुर्घटना से। दे कोज पेन एंड सफरिंग, उसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत दर्द होता है और बहुत सहना भी पड़ता है। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, ऑन द प्लेग्राउंड एंड ऑन द रोड। एक्सीडेंट्स जो है उनको कैसे, उनसे कैसे बच सकते हैं हम, अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, यानी सुरक्षा के जो रूल्स हैं उनको अगर हम फॉलो करें अपने घर, स्कूल एंड प्लेग्राउंड एंड रोड पर, तो हम जो है दुर्घटना से बचा जा सकता है। इंजरीज एट होम आर मोस्टली कॉज्ड बाय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक एंड केमिकल पॉइजनिंग। इंजरीज, जो घाव है वो मोस्टली कब होते हैं, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, जब हम फर्श पर फिसलते हैं या जल जाते हैं, या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या केमिकल पॉइजनिंग, कोई जहरीला पदार्थ हम खा लेते हैं। मेक योर होम ए सेफ प्लेस, कैसे हम अपने घर को एक सुरक्षित स्थान बना सकते हैं। बींग अवेयर एंड अलर्ट विल गो ए लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ। बींग अवेयर, ये कि कैसे हम अपने घर को सेफ रख सकते हैं उसके बारे में हमें जानकारी, और अलर्ट होने से हम, अगर अलर्ट हैं तो हम अपने घर को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी एट होम, सेफ्टी, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, कि फ्लोर पर फिसलना से हम कैसे बच सकते हैं। ए पर्सन कैन स्लिप एंड फॉल ऑन ए वेट फ्लोर, ट्रिप ओवर स्कैटर्ड टॉयज, और स्टम्बल डाउन द स्टेयर्स। ए पर्सन कब स्लिप कर, स्लिप मीन्स फिसलना, फॉल मीन्स गिरना, वेट मीन्स गीला, फ्लोर फर्श, कि एक पर्सन, एक आदमी कब फिसलता या गिरता है, जब फर्श जो हमारा गीला हो। ट्रिप ओवर स्कैटर्ड टॉयज, या खिलौने इधर उधर फैला रखे हों स्टेयर्स या फ्लोर्स पे। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए, कीप द फ्लोर एट होम क्लीन एंड ड्राई, घर पर जो हमारा फर्श है उसके हमें साफ एंड सुथरा और सूखा रखना चाहिए। टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर्स आर नॉट स्लिपरी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बाथरूम है और किचन फ्लोर्स हैं वो स्लिपरी ना हो, फिसलने वाले ना हो। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर, हमें अपने खिलौने और दूसरी चीज़ें जो हैं वो फर्श पर नहीं छोड़नी चाहिए। यूज़ ए स्टेप लैडर और ए स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस हाई, अगर किसी ऊंचे चीज स्थान पर रखी हुई चीज़ें पर हमें पहुंचना है तो हमें स्टेप लैडर यानी कि सीढ़ी या स्टूल का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज बंस, एक्सीडेंट ड्यू टू ए फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी, जो दुर्घटना है आग, रसोई में आग की से, वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंजरीज, यानी कि बहुत सीरियस इंजरी, बहुत गहरा घाव लग सकता है जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए, वन मोर मस्ट नोट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन, सच क्लोथ्स कैच फायर इजीली। बर्न यानी कि किचन में जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला जो प्रिकॉशंस है कि सिंथेटिक क्लोथ्स, जो आर्टिफिशियल क्लोथ्स हैं, वो हमें किचन में या रसोई घर में नहीं पहनने चाहिए। इस तरह के कपड़े बहुत जल्दी जो है वो फायर कैच
कर लेते हैं। गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज़ मस्ट बी टर्न ऑफ, जब गैस स्टोव को हमें इस्तेमाल नहीं करना है तो उसे टर्न ऑफ कर दें, उसे बंद कर दें। दे मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज, उनको टाइम टाइम से हमें चेक कर लेना चाहिए कि उनमें कोई लीकेज तो नहीं है।